2005 में हजारों की जान लेने वाले जलजले जैसे कुदरती आफात से निमटने की पेश नज़र हर साल 8 अक्टूबर को आफात से आगाही का कौमी दिन मनाया जाता है। इस हवाले से प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी खैबर पख्तूनख्वा ने सूबे के मुख्तलिफ असला में एक हफ्ते पर मुश्तमिल आगाही मुहिम शुरू की है। मुहिम के दौरान लोगों में आफात से आगाही और एहतियाती तदाबीर के पैम्पलेट तकसीम किए जा रहे हैं। आज हमारी जो है वो फेस टू फेस इंटरेक्शन है अवाम के साथ, जिसमें हमने पोस्टर्स और ब्रोशर्स दे रहे हैं, जिसके अंदर आफात की मुख्तलिफ अकसाम लिखी हुई है और एहतियाती तदाबीर के जरिए उनसे बचाव के बारे में इंस्ट्रक्शंस दी गई है। शहरियों ने PDMA के इस इकदाम को सराहा, कहते हैं कि इस किस्म के आगाही मुहिम से कुदरती आफात से इंसानी जानों का तहफ्फुज़ मुमकिन बनाया जा सकता है। ऐसा लोगों को पता नहीं होता है, घर में सेफ्टी का सामान भी होता है लेकिन उसको इस्तेमाल का तरीका भी नहीं आता, तो इससे आगाही होगी आवाम को कि किस तरह मतलब अल्लाह की तरफ से जो आफत आए उससे किस तरह निपटा जाए। 8 अक्टूबर 2005 के बाद हर साल हुकूमत की जानिब से आगाही मुहिम का सिलसिला जारी है। PDMA की जानिब से कुदरती आफात से निमटने के लिए जहाँ शहरियों में पैम्पलेट तकसीम किए जा रहे तो वही स्कूलों में बच्चों से मॉक एक्सरसाइज भी करवाई जा रही है। कैमरामैन आफ्ताब अहमद के साथ कामरान अली, कैपिटल TV, पेशावर।